हाय दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप अगर इस वीडियो में आए हैं पहली बार तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलने वाली है सीखने के लिए। अगर सीखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर नहीं सीखना है तो अभी छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो डिसलाइक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, हम लोग जानेंगे कि CBSE या फिर कोई प्लेयर सिलेक्शन होता है वो हमें किस तरह से करना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए आपको दिखाते हैं करके। तो सबसे पहले हम एक डेमो टीम क्रिएट किए हुए हैं, आपको दिखा देते हैं। टीम देखिए कुछ इस तरह से है। अब इसमें से हमको समझना क्या है, समझना ये है कि ड्रीम इलेवन में जो सिलेक्शन परसेंटेज होते हैं, इसको आप देख सकते हैं इस जगह पे। देखिए ये जो सिलेक्शन परसेंटेज आपको लिखा हुआ दिख रहा है, सॉरी लिखा हुआ दिख रहा है, ये 17% या फिर मान के चलिए आपका 12% हो गया। तो ये परसेंटेज लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर आप नहीं समझे हैं तो बहुत बड़ा भूल कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको सारा कुछ डिटेल में आपको समझा दूंगा। तो आप एक यूनिक टीम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप भेड़ के चाल में, कैसे बोलता है कहावत में है ना कि कछुए के चाल से चलिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कछुआ और भेड़ क्या बोलते हैं उस टाइप का है। तो आप इसको देखते हुए आप अपना टीम को क्रिएट कर लीजिएगा। तो आपको मतलब कि आपको एक सटीक तरीके से टीम बनाना है, वो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा आपको रोक रहा हूँ इस जगह पे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो आपको कॉन्टेस्ट दिख रहा है, ये कॉन्टेस्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। इस कॉन्टेस्ट में आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे नोट कीजिए, वाइट दिख रहा है, थोड़ा सा कलर हमको चेंज करना होगा। तो चलिए हम चेंज कर लेते हैं, एक मिनट। तो इस जगह पे जो देख रहे हैं आप, क्या प्राइज है, टोटल 21 करोड़ का प्राइज है। एंट्री फीस आपको कितने देखने के लिए मिल रहा है, 49 रुपये देखने के लिए मिल रहा है। इसमें टोटल स्पोर्ट कितना है, 57,14,285 स्पोर्ट है टोटल, ठीक है। जिसमें से अभी 16,86,041 स्पोर्ट अभी खाली है, ठीक है। अब इसमें समझिए कि मान के चलिए आपका टोटल स्पोर्ट कितना हो गया, इतना, ठीक है। अब इतना हो गया तो अब इतना में से सभी लोग अपना अपना कप्तान, वॉइस कप्तान सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सभी का सेम होगा, कुछ कुछ अलग होगा, तो आपको अलग करना है। तो कैसे करना वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए आपको चलते हैं, पहले टीम का एडिट करके आपको दिखा देते हैं, उस पर से आपको समझ में आएगा कुछ। अभी हमने कितना दिखाया आपको, 57 लाख, आपको दिखाता हूँ, उनमें टू जाइएगा थोड़ा सा। इस जगह पर देख लीजिए आपको, देखिए 57,14,285 स्पोर्ट है। मैं आपको कैलकुलेटर में लेके चलता हूँ, वहाँ पे दिखा देता हूँ, 57,14,285 इतना स्पोर्ट है। अब इतना में आप कोई भी प्लेयर का सिलेक्शन करते हैं, सपोज़ मान लीजिए कि रोहित शर्मा है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस जगह पे। रोहित शर्मा का सिलेक्शन परसेंटेज कितना है कैप्टन के लिए, कैप्टन के लिए आप देख सकते हैं 17 है, वहीं वाइस कैप्टन के लिए 12 है। तो आप मान के चलिए 57 लाख आदमी है, उसमें से 17% कैप्टन बनाया है। तो इसको देख लेते हैं, इतना है टोटल स्पोर्ट हो गया है, और इतना को हम
17 से गुना करके 100 से भागा देना होगा, यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, यानी कि 971,428 आदमी इनको कैप्टन बनाए हुए हैं। किनको? रोहित शर्मा को। ठीक है, कितना बताया है? 9 लाख, 9 लाख प्लस आपका, ठीक है, प्लस आप देख लीजिए, 9 लाख प्लस आपको कैप्टन बनाया हुआ है। अब इसका वाइस कैप्टन आप देख लीजिए, आपको वाइस कैप्टन भी हम दिखा देते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर पे चलिए, 12%। तो सपोज यहाँ पे हम 12 करके आपको कैलकुलेशन कर, अब यहाँ पे देखिए वाइस कैप्टन कितना बना हुआ है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख, 685,714 आदमी जो है, मतलब स्पोर्ट वाले जो हैं वो कप्तान नहीं वाइस कप्तान बनाए, वीसी बनाए हुए हैं। ठीक है, वीसी बनाए हुए हैं 6 लाख प्लस आपका वीसी बना हुआ है। तो इस अनुसार से अगर आप टीम क्रिएट करते हैं तो क्या आप जीत पाइएगा? जी नहीं। तो आपको इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है और थोड़ा सा लॉजिकली सोचना है। ठीक है, तो आपको सारा कुछ वीडियो में बताता हूँ, आप ध्यान से देखते रहिएगा। तो चलिए आपको टीम पे हम बिल्कुल एडिट करके दिखाते हैं फिर से, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो उसको इग्नोर कीजिएगा, आपके लिए पूरा कंप्लीट जानकारी दूंगा। अब इस टीम को हम फिलहाल के लिए डिलीट करते हैं। अब हमको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो भी कप्तान हो, मैच पहले डिसाइड कीजिए कि मैच है, किसका मैच है, कौन सा टीम का मैच हो रहा है, इंडिया पाकिस्तान हो रहा है, इंडिया श्रीलंका हो रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया हो रहा है, किसका हो रहा है? तो इंडिया और हांगकांग का मैच है। ठीक है, इंडिया और हांगकांग का मैच है। ठीक है, अब ये चीज़ तय करना है कि दोनों में से इंडिया या फिर हांगकांग में से कौन सा मजबूत टीम है। ठीक है, जो टीम मजबूत होगा उसका 7 प्लेयर लेना है और जो टीम कमज़ोर होगा उसका 4 प्लेयर लेना है। जो कमज़ोर होगा उसका 4 और जो मजबूत होगा उसका 7। ठीक है, अब मान लीजिए कोई टीम होता है जो कि दोनों मजबूत हो, तब क्या करना है? तब उस जगह पे आपको 6-5 का कॉम्बिनेशन लेना है। ठीक है, 6-5 का कॉम्बिनेशन लेना है। तो अभी क्या है, इंडिया और हांगकांग का मैच है, तो इंडिया और हांगकांग का मैच में क्या है, हांगकांग कमज़ोर टीम है, इंडिया एक बहुत स्ट्रांग टीम है। तो आपको क्या करना है, इंडिया का जो मजबूत टीम है उसको आप ज़्यादा खिलाड़ी अपनी टीम में रखिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा खिलाड़ी किस तरह से रखना वही मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए इंडिया की तरह अगर पहले बल्लेबाजी करता है, तो अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी कर रहा है तो 1, 2, 3, 4 बैट्समैन ले लीजिए। ठीक है, और अगर पहले गेंदबाजी कर रहा है तो आप 1, 2, 3, 4 बॉलर ले लीजिए, 3 बैट्समैन लेना है इंडिया की तरफ से, 1, 2, 3। ठीक है, ऑलराउंडर में ये ले सकते हैं, हांगकांग की तरफ से आपको 4 खिलाड़ी लेना है। तो ज़्यादा तो कोशिश कीजिएगा कि ऑलराउंडर के और विकेट कीपर में से हांगकांग खिलाड़ी हो जाए, क्योंकि बॉलर ऐसा नहीं है जो कि इंडिया का बैट्समैन को जल्दी आउट कर पाएगा, एक आध विकेट गिर गया तो बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो इसको देखते हुए आपको टीम क्रिएट करना है। मैंने आपको बताया टीम क्रिएट करने का तरीका, अगर इंडिया पहले बल्लेबाजी करता है तो उसका 4 बैट्समैन लेना है टॉप ऑर्डर का, अगर पहले बॉलिंग करता है तो इंडिया का टोटल बॉलर लेना है, उसके बाद जो हांगकांग का टीम है उससे आपको क्या करना है, आपको 3 ऑलराउंडर 1 विकेट कीपर ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ से आ जाते हैं सीबीसी सिलेक्शन के लिए। तो यही मेन फंडा है जहाँ पे आदमी फंसता है, जीता हुआ मैच हार जाता है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को गौर से समझना है सीबीसी के लिए। अब यहाँ पे देखिए रोहित शर्मा को 17% लोगों ने अपना कप्तान में बनाया हुआ है, टीम में कप्तान बनाया हुआ है 17%, वहीं 12% वीसी बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप
क्या कीजिएगा। मान के चलिए सभी रोहित शर्मा को बना रहे हैं कप्तान, आप भी बना दीजिएगा, ठीक है, तो क्या होगा, रैंक क्लैश होगा। रैंक क्लैश का मतलब हो गया, आप अगर मान के चलिए एक नंबर पे आ भी जाते हैं तो आपको कोई खास प्रॉफिट होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके साथ 100 टीम 200 टीम आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं हासिल होगा। इसीलिए आपको कुछ अलग करना होता है। अलग कहने का मतलब ये हो गया है कि अगर सभी लोग जिसको कप्तान बना रहे हैं, ठीक है, आप उसको वीसी बना के चलिए, ठीक है, जिसको सभी लोग कप्तान बना रहे हैं उसको आप वीसी बना के चलिए, और कप्तान आप अपने अनुसार बनाइए, जो आपका दिल दिमाग कहे कि नहीं आज ये खिलाड़ी अच्छा करेगा, उस खिलाड़ी को आप कप्तान बनाइए। तो उस खिलाड़ी को भी सेलेक्ट करने का तरीका मैंने आपको बहुत सारा मैंने वीडियो डाला हो, उसमें बताया हो कि किस तरह से चुनना है, ठीक है, तो उस तरह से चुन के आप बना सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इसमें मैं बता देता हूँ। सपोज़ मान के चलिए सूर्य कुमार यादव जो हैं पिछला मैच में कुछ खास नहीं कर पाए थे, ठीक है, मात्र 19 पॉइंट दिए थे बैटिंग से, तो आपको क्या लगता है कि इस मैच में सूर्य कुमार यादव चलेंगे? अगर चलेंगे तो आपको विश्वास है तो आप इनको कैप्टन और रोहित शर्मा को वाइस कैप्टन बना दीजिए, ठीक है। रोहित शर्मा आपको क्या करेंगे कि आपको मैच हारने नहीं देंगे, और सूर्य कुमार क्या करेंगे कि आपका ये अच्छा खासा रैंक ऊपर लेके आएंगे, ठीक है। अगर इस तरह से आप टीम बनाते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी जीएल विन करोगे। ये तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कल ही विन करोगे, लेकिन हाँ, अगर अच्छा से खेलते हो तो जल्दी विन करोगे। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल का ग्रोथ होता है और साथ ही साथ मेरा मोटिवेशन बनता है आपके लिए और वीडियो अच्छा अच्छा लाने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।